निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर निरंतर भिलाई निगम क्षेत्र के किसी भी वार्ड एवं मोहल्लों का निरीक्षण औचक रूप से कर रहे हैं। महापौर नीरज पाल के स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई की परिकल्पना को लेकर अधिकारियों की विशेष दिशा निर्देश दिए गए। भिलाई निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के द्वारा सभी वार्डों में किए जा रहे औचक निरीक्षण की कड़ी में निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने जोन क्रमांक 3 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 37, वार्ड क्रमांक 35 एवं वार्ड क्रमांक 36 के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ स्थानों पर सड़कों पर निर्माण एवं विध्वंस से संबंधित सामग्री बेतरतीब तरीके से पड़ी हुई देखी। उन्होंने कहा कि पहले मलबा को हटाने समझाइश दें और उन्हें हटाने के लिए निर्धारित समय देवें, इसके बाद भी नहीं मानने वालों पर कार्रवाई करें। उल्लेखनीय है कि सड़कों पर मलबा पड़े होने के कारण आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है तथा वाहनों का निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सकरी गलियों में खासकर इस प्रकार की समस्याएं मुखरता से आती हैं। वहीं शहर की सुंदरता पर भी प्रभाव पड़ता है तथा ऐसे मलबों में हानिकारक जीव जंतु भी छुपे हो सकते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही गंदगी का एक बड़ा सोर्स भी यह बन सकता है और मच्छर आदि को छुपने की जगह भी इन्हीं कारणों से मिलती है। इन सब जगह से निगम आयुक्त ने मलबे को हटाने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही वार्ड क्रमांक 36 ठेठवार पारा तालाब के किनारे खटाल संचालकों को अपने घर के सामने सफाई रखने एवं मवेशियों को खुला नहीं छोड़ने एवं आवागमन प्रभावित नहीं करने की समझाइश दी गई। बीती रात भारी बारिश होने के कारण कुछ मोड़ वाले नालों में कचरा रुक रहा था, जिसे उन्होंने तुरंत सफाई कराने के निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।